जब हम भगवान महावीर स्वामी के बारे में यह जान लेते हैं कि भगवान ने जब दीक्षा ली तो उस समय पर उनके साथ कोई भी राजा दीक्षित नहीं हुआ। सभी तीर्थंकरों के साथ में ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने दीक्षा ली तो उनके साथ में अन्य अनेक राजाओं ने दीक्षा ली, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के साथ में कोई भी राजा ने दीक्षा नहीं ली। दीक्षा लेने के बाद में भगवान अकेले ही विहार किए। आप जानते हैं कि भगवान की उम्र 72 वर्ष की थी और उस 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करके तप धारण किया था। 12 वर्ष तक उन्होंने जगह जगह पर विहार करते हुए मुनि भेष में, दिगंबर भेष में उन्होंने अपनी ध्यान साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की आराधना की। केवल ज्ञान की प्राप्ति जब तक न हो जाए तब तक वह मौन रहकर ही विहार करते हैं। 12 वर्ष तक वो मौन रहे हैं। 42 वर्ष की उम्र में लगभग उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और फिर उस केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में उनके दिव्य उपदेश हुए और उस दिव्य उपदेश के साथ भी उनका विहार होता है। और जितनी भी उम्र अब बची रह गई है उस पूरी उम्र में उनका वह धर्मोपदेश देते हुए जगह जगह पर समवसरण की सभाएं लगते हुए उनका विहार चलता है। तत्व के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते हुए वो अहिंसा की प्रभावना करते हुए अपने पूरे उम्र भर अत्यधिक धर्म की प्रभावना करते हैं। धीरे धीरे वह समय आता है जब उनका वह उम्र पूरी होने को होती है। जब उम्र समाप्ति की ओर होती है, आयु कर्म जितना व्यक्ति लेकर के आता है उतना ही जीता है। जो भगवान बनने की प्रक्रिया पर निकला है उसने भी भगवत सत्ता को प्राप्त करने के लिए जितनी उम्र पाई है उतनी ही उम्र जिएगा, उससे ज्यादा वो जी नहीं सकता। कर्म सिद्धांत भी साथ में चल रहा है, जीव का अपना पुरुषार्थ भी साथ में चल रहा है, पराश्रितता भी साथ में चल रही है और स्वाधीनता का भाव भी साथ में चल रहा है। यह अनेकांत दर्शन के माध्यम से आप देखोगे कि जीव धीरे धीरे स्वतंत्र होता है तो अपनी स्वतंत्रता का भान धीरे धीरे करके, पुरुषार्थ धीरे धीरे करके उसके अंदर वह स्वाधीनता आती जाती है, लेकिन जो पराधीनता के कारण है वो अरिहंत अवस्था में भी बने रहते हैं। शरीर है, आयु है, जिसके माध्यम से वह पराश्रितता है, पराधीनता है, कर्म का उदय है वह भी एक पराधीनता है, क्योंकि जितने कर्म का जब तक आयु कर्म का उदय रहेगा तब तक ही हम शरीर के साथ विहार कर पाएंगे। और जब अंत का समय आता है, आयु पूर्ण होने को होती है, जो 72 वर्ष की आयु है वह भी आप ये जाने कि उनकी वो आयु 72 वर्ष की भी पूर्ण नहीं थी। 71 वर्ष 3 महीने और 25 दिन की उनकी आयु थी। समझ आ रहा है? 72 तो हम कह देते हैं, लेकिन वो जब अच्छे ढंग से उसको काउंट किया जाता है तो उसकी वह जो संख्या है वह आयु वर्षों में 71 वर्ष 3 महीने और 25 दिन ही निकल करके आती है। समझ आ रहा है? तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का काल चल रहा होता है और उस काल में इन तीर्थंकर वर्धमान का जन्म होता है। काल तो पिछले तीर्थंकर का चल रहा है और पिछले तीर्थंकर का काल केवल 250 वर्ष का काल है और उसी 250 वर्ष के काल में इनकी आयु भी गर्भित है। अगले तीर्थंकर का समय काल तब प्रारंभ होता है जब वे केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में प्रथम दिव्य देशना देते हैं, जिसे हम वीर शासन जयंती के नाम से मनाते हैं। वह प्रथम दिन होता है जब वह
तीर्थ की प्रवृत्ति करते हैं और वह वीर शासन जयंती के माध्यम से वह दिन मनाया जाता है जो आपने चातुर्मास के प्रारंभ में मनाया है। इस चातुर्मास में आपने कई उत्सव देखे होंगे और चातुर्मास के समय पर सभी लोग इस प्रकार के उत्सव देखा करते हैं। जब चातुर्मास का प्रारंभ होता है, ये वीर शासन जयंती प्रारंभ होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है जिसे हर व्यक्ति पर एक ध्यान देने की जरूरत है। वीर शासन जयंती होने के बाद में एक पर्व आता है, तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस का पर्व। उसके बाद में फिर रक्षाबंधन का पर्व आता है, उसके बाद में पर्युषण का पर्व आता है और उसके बाद में फिर यह दीपावली का पर्व आता है। ये सभी पर्व आते रहते हैं और इन सब पर्वों के साथ में आप एक आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करते हुए भगवान का आराधना करते रहते हैं और ये सब ज्ञान आपको बना रहता है। आप इस ज्ञान के साथ में अपना जीवन आगे बढ़ाते रहते हैं। ये ध्यान रखें कि जब भगवान तीर्थंकर के लिए आयु पूर्ण होने को होती है तो उस समय पर वह अपना समव शरण भी त्याग देते हैं। जिस समव शरण के माध्यम से वह दिव्य देशना देते हैं, 12 सभाएं लगती हैं, उस समव शरण का भी त्याग किया जाता है। वह नियम ले लेते हैं, अब हमें उपदेश नहीं देना है। उनके अंतरंग में यह परिणति आ जाती है, यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि अब हमारी वाणी नहीं होगी, अब हमें उपदेश नहीं देना है और वे इसका त्याग करके, समव शरण का त्याग करके प्रतिमा योग धारण कर लेते हैं, अर्थात एक स्थान पर ही विराजमान हो जाते हैं और तब तक विराजमान रहते हैं जब तक कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। समझ आ रहा है? कुछ आचार्यों के द्वारा लिखे हुए प्रामाणिक ज्ञान की ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। आचार्यों ने हमें इतना सम्यक ज्ञान दिया है कि हर एक तीर्थंकर के साथ क्या घटित हुआ है, यह हमें स्पष्ट रूप से बताया। भगवान आदिनाथ जब अपना समवसरण त्याग करते हैं तो उन्हें 14 दिन के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर स्वामी जब अपना समवसरण त्याग करते हैं तो उन्हें 2 दिन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और अन्य जितने भी बीच के तीर्थंकर हैं वो जब समवसरण त्याग करते हैं तो उन्हें 1 महीना लगता है, 1 महीने तक वह एक ही स्थान पर बैठे हुए ध्यान करते हैं तब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये प्रक्रिया योग निरोध की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जो मन वचन काय के 3 योग हैं, इन योगों को भी रोकना अब बाकी रह जाता है, क्योंकि केवल ज्ञान प्राप्त होने पर आत्मा तो अनंत ज्ञान अनंत सुख से संपन्न हो गया, लेकिन जो शरीर है उस शरीर में जो योग की क्रिया चल रही है, अर्थात काय और वाणी और जो द्रव्य मन का सद्भाव है उसके कारण से भी जो पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण करने में आती हैं उनको भी रोकने का एक पुरुषार्थ किया जाता है, एक ध्यान किया जाता है। 4 प्रकार के शुक्ल ध्यान होते हैं। दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। फिर अरिहंत बनने के बाद में जब आयु लास्ट में केवल एक अंतर मुहूर्त बाकी रह जाती है तब वह ध्यान, तीसरा शुक्ल ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और उसके माध्यम से इन योगों को संकुचित किया जाता है, जिसे योग निरोध कहते हैं। योगों को रोका जाता है, योगों को रोकने के बाद में फिर उन योगों को इतना रोका जाता है कि वह केवल मनोयोग भी शांत हो जाता है, वचन योग भी समाप्त हो जाता है, काय योग में भी बादर योग शांत हो जाता है, केवल सूक्ष्म काय योग रह जाता है सूक्ष्म। और उस काय योग के साथ में यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है ध्यान की, जो
आयु के अंतिम क्षणों में हो रही होती है। अब आप विचार करें कि जब भगवान महावीर स्वामी ने अपना ये योग निरोध का कार्य प्रारंभ किया तो उस समय पर उनकी आयु के कितने दिन बाकी थे, कितने दिन बाकी थे, समझ आ रहा है? 2 दिन बाकी थे। और वह जो उन्होंने प्रारंभ किया तो ये स्पष्ट है उनका निर्वाण हुआ 14 की, ये जो कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी आने वाली है उस कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम समय पर, मतलब रात्रि का अभाव हो रहा है, रात्रि जा रही है और बस अगला दिन लगने वाला है, अमावस्या का दिन प्रारंभ हो रहा है, रात्रि का अवसान और दिन का प्रारंभ। रात्रि का जब अवसान होता है तब भी रात्रि जैसा ही वातावरण रहता है, दिन प्रारंभ नहीं हुआ है, सूर्य उदय तो बाद में होगा, उससे पहले जो प्रभाती होती है उससे भी पहले जिसे प्रत्युष वेला कहा जाता है, उस प्रत्युष वेला में प्रभाती के समय का भी प्रारंभ बिंदु जहां पर रात्रि का अंत हो रहा हो उस समय पर भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। उस समय पर उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई तो अब आप अंदाज लगाएं कि उनके लिए एक 13 का दिन, एक 14 का दिन, समझ आ रहा है? ये 2 दिन उनके लिए मिले और 2 दिन तक वह बिल्कुल प्रतिमा योग धारण करके बिल्कुल अपने सभी प्रकार के मन वचन काय की क्रियाओं को रोक करके भगवान एक स्थान पर विराजमान हो गए और वो स्थान कौन सा था? पावापुरी के पद्म सरोवर का मध्य का स्थान है वो। ये सब जानकारी हमें शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी हुई मिलती है। 13 का दिन जब उन्होंने समव शरण को छोड़ दिया, जब उनके लिए समव शरण का त्याग हो गया, समझो कितना बड़ा उन्होंने त्याग किया, जिस समवसरण को एक बहुत बड़ा वैभव कहा जाता है, जो समवसरण अपने आप में एक बहुत बड़ी लक्ष्मी का प्रतीक होता है, बहुत बड़े ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, उस ऐश्वर्य का उन्होंने त्याग कर दिया। और उस त्याग के साथ में जब यह देखा गया कि भगवान ने इतना बड़ा समवसरण छोड़ दिया तो लोगों ने उस दिन को धन्य कहा कि ये भगवान अब मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए इन्होंने अब अपने लिए बोलना भी बंद कर दिया है। तो वह त्रयोदशी का दिन, 13 का दिन धन्य धन्य के रूप में प्रचलित हो गया कि धन्य 13, जो आज भगवान ने इतना बड़ा अपने अंदर संकल्प ले लिया। वह धन्य 13 थी जो धन्य 13 धीरे धीरे धन 13 में बदल गई। धीरे धीरे तो बहुत कुछ बदल जाता है, आदमी के भाव बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, क्रियाएं बदल जाती हैं, शब्द भी बदल जाते हैं। वो धीरे धीरे धन्य 13 से धन 13 हो गया। जब ये धन 13 हुई उसके बाद में चतुर्दशी आई, उस चतुर्दशी को जब भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई तो शास्त्रों में उल्लेख है कि इस चतुर्दशी की ख्याति, इस चतुर्दशी की मान्यता निर्वाण चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती थी। ये निर्वाण चतुर्दशी के रूप में ख्यात हुई लोक में, शास्त्रों में लिखा है। ये वो निर्वाण चतुर्दशी जब चतुर्दशी का वह रात्रि का अंतिम भाग, भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई और उस समय पर ही भगवान के निर्वाण हो जाने के बाद में देव लोगों के द्वारा उस निर्वाण कल्याणक के अवसर पर देव लोगों के द्वारा पूजा की जाती है। वह निर्वाण कल्याणक मनाया जाता है और देव लोगों ने उस समय पर ये इस तरीके से अद्भुत पूजा की कि चूंकि वह रात्रि का समय था,
अमावस का प्रारंभ हो रहा है, चतुर्दशी का अवसान हुआ है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, रात्रि घनघोर रहती है। आप विचार करें, देवों ने उस समय पर, उस रात्रि के समय पर ही इतनी प्रकाश किया, इतना प्रकाश किया कि लोगों ने कहा कि भाई ये इतने प्रकाश की आवश्यकता क्या पड़ गई। तो देवों ने कहा, भगवान इस अंधकार की रात्रि में गए हैं लेकिन हमें प्रकाश दे करके गए हैं, इसलिए हमें प्रकाश का उत्सव मनाना है। अब ये तीर्थंकर भगवान का बताया हुआ रास्ता, उनका बताया हुआ ज्ञान, ये अहिंसा का मार्ग, ये सारा का सारा अब इस प्रकाश के माध्यम से ही सूचित होगा कि अभी भी हम अंधकार में नहीं है। भगवान भले ही चले गए लेकिन हमें बहुत बड़ा ज्ञान दे करके गए हैं, वो ज्ञान का प्रकाश हमें अगर दिखाना है तो हम इन दीपकों के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो देवों ने ऐसा वातावरण बना दिया कि केवल वह पावापुरी नहीं, चारों ओर पूरे आकाश में वह दीपों का ही प्रकाश, दीपों का ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। यह बात हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखी। दुनिया दीपावली मनाती है लेकिन दुनिया में किसी को नहीं मालूम कि दीपावली का सही पर्व का क्या अर्थ है और ये दीपावली का प्रारंभ कहां से हुआ है। लोग इसको बाद में अपनी अपनी भावनाओं से अपने अपने प्रसंगों के अनुसार जोड़ने लगे। आर्य समाज के लोगों ने स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वर्ग सिधारने के कारण से दीपावली मनाई जाती है, ऐसा एक भाव प्रचलित किया। सिखों की समाज में छठवें गुरु हरगोविंद सिंह के स्वर्ग सिधारने पर यह दीपावली मनाई जाती है, ऐसा प्रचार किया। हिंदू समाज में रामचंद्र जी अयोध्या आए या उनका राज्य तिलक हुआ, इस कारण से यह दीपावली मनाई जाती है, ऐसा प्रचार किया। कई जगहों पर लिखा है कि विष्णु जी ने 13, 14, 15 और एकम, इन चार दिनों के लिए प्रसन्न होकर के सब लोगों से कहा कि राजा बलि की दानवीरता से हम प्रसन्न हुए हैं, इसलिए इन चार दिनों में उत्सव करो। एक जगह लिखा है कि यमराज ने कह दिया कि इन चार दिनों में जो उत्सव करेगा उसके लिए कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये सब वो रेफरेंस बता रहा हूं जो शास्त्रों में जगह जगह पर बिखरे पड़े हैं, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो। अब इन रेफरेंसों के तहत हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। ये जितने भी रेफरेंस हैं अगर आप देखें, दयानंद सरस्वती या हरगोविंद सिंह, ये तो सब बहुत बाद के रेफरेंस हो गए, क्योंकि अगर उनके कारण से भी दीपावली मनाई जाती है तो ये तो बहुत बाद की बात हो गई। दीपावली की प्रथा तो भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से जुड़ी हुई है, ये सबसे प्राचीन रेफरेंस है। जैन अजैन, भारत और भारत के बाहर के विद्वानों ने खोजें किए हैं, एक इंसाइक्लोपीडिया बना हुआ है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इंटरनेट पर ढूंढना। 1912 का एक आर्टिकल है स्टीवेंसन का, जिसमें इस दीपावली के पर्व की ऐतिहासिकता की खोज की गई है और उस ऐतिहासिकता के वर्णन में यह पाया गया कि जितने भी रेफरेंस मिलते हैं कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह दीपावली इस कारण से मनाई जाती है, जैनों के अलावा अन्यत्र जितने भी शास्त्र हैं उनमें। अगर कहीं पर कोई प्रामाणिक रेफरेंस मिलता है और जो सबसे प्राचीन हो तो वह केवल जैनों के साहित्य में मिलता है। श्वेतांबर संप्रदाय में कल्प सूत्र हैं, उनमें दीपावली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है और दिगंबर संप्रदाय में 7वीं शताब्दी के आचार्य जिनसेन हरिवंश पुराण में दीपावली शब्द के साथ भगवान के निर्वाण कल्याणक का वर्णन करते हुए कि उन्होंने ये श्लोक ही लिख दिया,
ततस्तु लोके प्रतिवर्ष मादरात प्रसिद्ध दीपावलिया तु भारते। प्रत्येक प्रतिवर्ष भगवान के निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष में आदर के साथ में यह दीपावली मनाई जाती है। ये श्लोक में लिखा हुआ है हरिवंश पुराण में। अगर हम प्राचीनता की अपेक्षा से देखें, शास्त्रों के प्रमाणिकता की अपेक्षा से देखें, तो आपको केवल जैन शास्त्रों में ही दीपावली के वर्णन का स्पष्ट उल्लेख मिलेगा। हिंदू समाज में कहा जाता है कि भगवान राम के अयोध्या आने पर या उनके राज्य तिलक पर यह दीपावली मनाई जाती है, लेकिन किसी भी पुराण में यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है। हिंदुओं के भी यहां किसी पुराण में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अब आप इससे किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं और विद्वान लोग किस नतीजे पर पहुंचे, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर दयानंद सरस्वती और कोई भी की बात है जिनका काल बहुत बाद का है, तो वो तो बहुत बाद की बात हो गई, लेकिन दीपावली तो उससे पहले ही प्रचलित थी। लोगों ने, इसका मतलब है फिर अपने अपने संप्रदाय के अनुसार दीपावली को अपने अपने गुरुओं और अपने अपने आराधकों के अनुसार उसको जोड़ लिया। दीपावली का संबंध किस विषय में अगर हमें प्राचीनता के साथ में मिलता है, तो इस विषय में केवल हमें जैन शास्त्रों में ही उपलब्ध होता है। और यह जैन शास्त्रों में लिखा हुआ स्पष्ट उल्लेख है कि तेरस के दिन भगवान ने जब ये समवसरण का त्याग किया, चतुर्दशी की अंतिम रात्रि में वह निर्वाण को प्राप्त हो गए, तो वहां पर दीपावली का प्रचलन हुआ, दीपावली मनाई गई। माने दीपावली का संबंध भगवान के निर्वाण से है, और जब भगवान के निर्वाण से है तो जिस समय पर निर्वाण कल्याणक मनाया गया, आपको दीपावली उसी समय पर मनानी चाहिए। जैन लोग अनेक अजैन समुदाय के साथ में रहते हैं, इसलिए वो धीरे धीरे अपनी सत्यता, अपनी प्रमाणिकता, अपने ज्ञान को भूलते चले जाते हैं, और वो धीरे धीरे जो कुछ भी प्रचलित होने लग जाता है उस प्रचलन के अनुसार अपनी मान्यता ढालते चले जाते हैं। धीरे धीरे ये सब चीजें प्रचलित होने लगी। जिस समय पर भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ, आप देखें उस समय पर सब एक थे। जिस वैशाली गणतंत्र में जहां पर भगवान का मोक्ष हुआ था वो गणतंत्र कहलाता था, वहां के पर प्रजातंत्र चलता था, राजाओं का राज्य नहीं था। वह वैशाली गणतंत्र एक ऐसा गणतंत्र था जहां के राजा लोग आपस में उस गणतंत्र को बना करके रखते थे, और उन राजाओं के अंदर भी वह गणतंत्र एक प्रजा की व्यवस्था के रूप में उपस्थित था। उस समय के राजा लिच्छवी राजा, मल्ल राजा कहलाते थे, और वो सारे के सारे राजा उस समय पर उपस्थित थे, और उन सब राजाओं ने एक साथ पूरे लोक में इस तरीके से दीपावली मनाने का ये आयोजन किया कि भगवान के निर्वाण कल्याणक पर अगर देव लोग दीपोत्सव कर सकते हैं तो क्या हम मनुष्य नहीं कर सकते। तो सब राजा लोगों ने मिलकर के पूरी प्रजा के साथ में दीपोत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ की। समझ आ रहा है? ये दीपोत्सव कब होना चाहिए स्पष्ट सुनो। इसका संबंध अगर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक से है, तो आपको ये दीपोत्सव निर्वाण कल्याणक के समय पर ही करना चाहिए। लेकिन आप कब करते हो, क्यों करते हो, वो भी अभी बताऊंगा धीरे धीरे। हमारा ये कहना है, अभी तक जितनी भी आपके अंदर ज्ञान चले आ रहे हैं, हमने भी कभी इस तरीके के खोजपूर्ण तथ्यों को कभी पहले संजोया नहीं, जो पहली बार हमने यहां पर संजोया और आपको मैं बता रहा हूं। मुझे यह समझ में आया कि आपको ये मान्यता अपने अंदर बिठानी चाहिए कि दीपावली अगर हम निर्वाण कल्याणक के लिए मना रहे हैं, तो वह निर्वाण कल्याणक जिस समय पर होता है हमें दीपावली उसी समय पर मनानी है। पहली बात ये मुख्य है, इस बात को भुलाना नहीं है। अगर हम गलत हो रहे हैं तो हमें अपने आप को सुधारना है। आचार्य जिनसेन महाराज ने लिखा है कि उस समय पर पूरा लोक दीपावली मनाने लगा और प्रतिवर्ष मनाने लगा। जिनेंद्र निर्वाण विभूति भक्ति भाक, ऐसा लिखा उन्होंने। माने
जिनेंद्र भगवान की निर्वाण की वैभव के भक्ति के वसीभूत होकर के यह लोक दीपावली मनाता है, और यह सब विद्वानों ने स्वीकार किया है कि जितना स्पष्ट उल्लेख जैन शास्त्र में दीपावली का ऐतिहासिक रूप में उपलब्ध होता है और वह सही परंपरा के रूप में उपलब्ध होता है, उतना स्पष्ट उल्लेख हमें किसी भी जैनों के अलावा अन्य शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हुआ। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में पहले आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, उनकी खोज करके आप पढ़ लेना। 1912 के लिखे हुए आर्टिकल के आधार पर आपको बात कर रहा हूं, समझ आ रहा है? अब देखो क्या हुआ, पुराण है, हिंदुओं के भी बहुत सारे पुराण हैं, उनमें एक पुराण है हिंदुओं के, यहां पर भी एक पद्म पुराण आता है, एक भविष्यत पुराण है, एक वराह पुराण है। इन पुराणों में इस समय पर अनेक तरह के उत्सव मनाने के बारे में लिखा हुआ है, 14 के दिन उत्सव मनाना, अमावस्या के दिन उत्सव मनाना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि ये जो अमावस्या के बाद में एकम आती है प्रतिपदा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कार्तिक शुक्ला का पहला दिन, जिसे हम प्रतिपदा कहते हैं, लिखा है कि इस प्रतिपदा पर भी आपको उत्सव मनाना चाहिए। जैसे चैत्र शुक्ला की प्रतिपदा पर उत्सव मनाया जाता है, वर्ष की शुरुआत होती है तो वहां पर उत्सव मनाया जाता है, वैसे ही इस प्रतिपदा पर भी उत्सव मनाना चाहिए। ये हिंदू पुराणों की बात बता रहा हूं आपको। अब क्यों मनाना चाहिए ये नहीं लिखा, लेकिन एक रेफरेंस मिला, एक वामन पुराण है हिंदुओं के यहां, उस वामन पुराण में इस प्रतिपदा का नाम दिया गया है वीर प्रतिपदा। क्या कहा गया, सुन रहे हो, वीर का मतलब क्या, वीर भगवान की यह प्रतिपदा है। वीर भगवान की प्रतिपदा कैसे हो गई, भगवान का निर्वाण हुआ, एक दिन बाद ही अगले ही दिन से हुए निर्वाण का वर्ष शुरू हो गया, भगवान की वह वीर निर्वाण संवत प्रारंभ हो गई, और उस समय पर जितने भी गणराज्य थे, जितने भी गणतंत्र थे, सभी ने एक मत से इस वीर निर्वाण संवत को स्वीकार करके इस वीर निर्वाण संवत को मान्यता दी। और सबसे पहले अगर इस विश्व के अंदर कोई भी आज प्राचीन संवत उपलब्ध है तो वह वीर निर्वाण संवत उपलब्ध है। संवत जानते हो, बहुत सारी संवत है, वीर निर्माण संवत है, विक्रम संवत है, सक संवत है, हिजरी संवत है, तनेक तरह बहुत सारे समुदाय की अलग अलग संवत हैं, लेकिन सब संवतों में सबसे प्राचीन संवत है वो वीर निर्माण संवत है। ये कुछ भी ज्ञान शायद आप लोगों को नहीं है, इसीलिए चलता फिरता कभी भी आदमी कुछ भी बोल देता है, भगवान महावीर स्वामी कब हुए थे, अभी 200-400 वर्ष पहले हुए होंगे, समझ आ रहा है? और एक जैन आदमी भी सुन लेता है और सुन करके कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि नॉलेज तो कुछ है ही नहीं। जो इतिहास प्रसिद्ध चीजें हैं, जो इतिहास में कोई डाउट नहीं है, भगवान महावीर स्वामी के समय को लेकर के ईसा से 527 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ है, आज अगर हम ईसा संवत भी मानते हैं तो वो भी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 500 वर्ष की बाद की है। सबसे प्राचीन संवत है निवीर निर्वाण संवत, समझ आ रहा है? और ये संवत इतने महत्व की थी उस समय पर, सब लोगों ने इस संवत को माना।